हेलो गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पर देखिए, सिंपल लाइन में लिखा हुआ है, HTML फॉर्म इज़ यूज्ड टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। एकदम सिंपल, जब भी वेबसाइट पे आप अपना फॉर्म डालोगे तो फॉर्म हम लोग क्यों डालते हैं, हम यूज़र का इनपुट कलेक्ट करने के लिए फॉर्म डालते हैं। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि वो यूज़र जो इनपुट जो भी डालेगा तो वो किस फॉर्म में हमारे पास आएगा, मतलब किस में डालेगा वो, राइट। तो वो डालने की चीजें, कुछ चीजें होती है HTML के अंदर, उसको कहा जाता है फॉर्म के टैग्स। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म के टैग्स मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना के रखी है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद है इनपुट के टाइप्स, वो क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद एट्रीब्यूट्स वाली जो चीजें है वो नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर्म के लिए हम थोड़ा सा 3 वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं चीजें थोड़ी सिंपल रखना चाहता हूँ और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पर है, देखिए यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। इसमें आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपली कह रहा है कि जो भी यूजर फॉर्म वहां पर फिल करेगा तो वो मोस्टली जो डेटा होता है वो हमेशा आपके सर्वर पे जाता है। सर्वर पे जाता है यानी कि एक फाइल होती है और फाइल में कुछ कोड लिखा होता है, मान लो इसका PHP कोड भी हो सकता है, फिर वो कोई और लैंग्वेज का कोड हो सकता है। उस कोड के जरिए वो डेटा पूरा उस सर्वर पे लेके जाते हैं, और उसके बाद जहां पर भी आपको डिस्प्ले करवाना है, जैसे मुझे ईमेल में लाना है तो मुझे ईमेल आ जाता है, तो वो सारा कोड उसमें आपको कोई गिरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसको उसमें आपके दो एट्रीब्यूट्स बताऊंगा कि फॉर्म के साथ दो एट्रीब्यूट्स कौन से यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म टैग्स। हम लोग यहाँ पर सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए, फॉर्म का टैग है, फॉर्म का टैग ही यूज करना है हमेशा। क्यों? क्योंकि फॉर्म के टैग में ऑफ कोर्स सारे फॉर्म के टैग्स ही होंगे, इसीलिए हमेशा फॉर्म का टैग यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा हमें लिखना है फॉर्म वाला टैग, और उसके साथ ये मिल जाता है एक्शन का एट्रीब्यूट। तो अभी अभी जैसा मैंने कहा कि एक फाइल प्रोसेस होती है, मान लो यहाँ पर एक फाइल नेम है main.php, या फिर मान लो contact.php। तो ये बैकएंड डेवलपर्स होते हैं, वो सारा यहाँ पर कोड करके रखते हैं इस फाइल के अंदर। और मान लो इस फॉर्म के अंदर आपने फील्ड इनपुट के फील्ड्स दे के रखे हुए, और यूजर वो सारे फील्ड फिल करता है, वो पूरा फॉर्म फिल करता है, और फिल करने के बाद एक बटन होता है नीचे सेंड करने के लिए या फिर सबमिट करने के लिए। तो आफ्टर सबमिटिंग वो जो चीजें होनी चाहिए ना, जो भी प्रोसेस होना चाहिए वो इस फाइल के अंदर होता है। तो उस फाइल का नाम यहाँ पर लिखना जरूरी होता है, इस वजह से एक्शन एट्रीब्यूट जो होता है वो काम करता है प्रोसेसिंग का। तो ये फाइल, इसमें जो भी कोड लिखा है वो जो भी यूजर फिल करेगा फॉर्म, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है प्रोसेस करने की, जो प्रोसेसिंग कोड कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो प्रोसेस जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि एक्शन एट्रीब्यूट करता क्या है। ओके, तो आप समझ गए कि ये इन शॉर्ट जो भी फॉर्म, जो भी यूजर है वो आपका जब फॉर्म फिल करता है तो सारी चीजें इस फाइल में जो कोड लिखा है उसके जरिए आगे बढ़ती है, इतना सिंपल है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक है मेथड करके, और उसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे गेट मेथड होता है, जैसे पोस्ट मेथड होता है। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेथड का एक एट्रीब्यूट लिखते हैं, और यहाँ पर गेट या फिर पोस्ट वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो सारी चीजें प्रोसेस करने के लिए। ओके, तो बस यही सिंपल सी चीज है, और ये इसमें हम लोग, हमें डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या सीखना है कि फॉर्म के टैग्स क्या होते हैं, फॉर्म टैग्स यूज करने के लिए फॉर्म के इनपुट फील्ड्स लगते हैं, इनपुट फील्ड्स लगेंगे तो उसके इनपुट के टाइप्स क्या होंगे, इनपुट के टाइप्स लगेंगे तो उसमें एट्रीब्यूट्स क्या यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस 3 वीडियो में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं फॉर्म टैग। और हमारा फॉर्म टैग के अंदर पहला जो टैग है वो है इनपुट वाला टैग। तो इनपुट टैग ही है जो सारी चीजें करता है। देखिए यहाँ पर INPUT लिखूंगा मैं, और यहाँ पर ये टाइप ऑटोमेटिक आ गया, इसको मैं 2 मिनट के लिए निकाल देता हूँ, क्योंकि टाइप जो है वो इस वीडियो में हम लोग नहीं देखने वाले। हम लोग यहाँ पर सिर्फ देखेंगे HTML के फॉर्म के टैग्स। ठीक है, एकदम सिंपल रखना है। और देखिए ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग है, इसके लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये सिंपल सा इनपुट वाला फील्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपली कुछ भी टाइप कर सकते हो। ओके, आपका यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है, सिंपल। लेकिन अब एक ध्यान दीजिए, जब आप आपकी वेबसाइट पे ऐसा वाला इनपुट डालोगे तो कौन इसमें क्या टाइप करेगा, किसको क्या समझ में आएगा कि भैया टाइप क्या करना है उसमें, राइट। तो इसलिए और एक टैग होता है HTML में, उसका नाम है
लेबल टैग। तो लेबल यहाँ पर डालने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूंगा, लेबल डालूंगा। ओके, लेबल के साथ फॉर है, वो फॉर अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ क्या है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक लेबल डालते हैं, फुल नेम। ओके, जैसे मैं लेबल डाल देता हूँ, अब देखिए यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है कि भैया हाँ यहाँ पर फुल नेम है, तो आपको यहाँ पर फुल नेम डालना है, तो वो आगे जाके फुल नेम डाल देगा। ठीक है, तो इसीलिए यूज होता है हमारा लेबल वाला टैग। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद और एक चीज है, देखिए क्या है, लेबल के बाद टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जनरली इसके लिए यूज होता है, जो अगर यूजर को कोई मैसेज देना है तो कुछ छोटा सा पैराग्राफ लिखना है उसको, तो इसलिए टेक्स्ट एरिया करके एक टैग है वो यूज होता है, राइट। तो इसमें भी कई एट्रीब्यूट्स आते हैं, ये हम एट्रीब्यूट्स वाले वीडियो में कवर करेंगे, तो अभी इसमें कोई मैस नहीं करना है मुझे। और इसके लिए जब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ऊपर एक लेबल भी मुझे देना है, और लेबल के लिए मैं यहाँ पर देता हूँ कि भैया ये क्या है, आपका मैसेज है, तो मैसेज डालिए इसके अंदर। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया। और एक चीज, इसको मुझे नीचे लाना है, तो मैं नीचे लाने के लिए, एक्चुअली हम लोग ने CSS सीखा नहीं है, बट ये सारी चीजें जो होती है वो CSS से ही होती है, ये रिकमेंडेड वे नहीं है जो हम लोग ब्रेक ब्रेक डाल रहे हैं बार बार, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, तो मैं सिंपली आपको ब्रेक डाल के दिखा रहा हूँ। तो ये नीचे आ गया मेरा मैसेज, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग ने सीखा क्या, फॉर्म देखा, फॉर्म समझ में आ गया, फॉर्म का टैग, उसके बाद इनपुट, इसके बाद लेबल, टेक्स्ट एरिया। अब ये सिलेक्ट देखेंगे क्या है। अब सिलेक्ट क्या है, सिलेक्ट सिंपली एक ड्रॉप डाउन जैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर SELECT, और यहाँ पर भी एट्रीब्यूट्स आते हैं इसके, तो ये भी मैं निकाल देता हूँ, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और इसमें एक आता है ऑप्शन, राइट। सिलेक्ट में क्या सिलेक्ट करना है, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसीलिए देखिए सिलेक्ट ओपनिंग और सिलेक्ट क्लोजिंग लिखना है, और ऑप्शन ओपनिंग और ऑप्शन क्लोजिंग लिखना है, एकदम सिंपल। तो मैं यहाँ पर एक, चलिए लिस्ट बनाना चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ यूजर से कुछ, तो मैं बोलता हूँ बिरयानी, और दूसरा जो है, एक तो है बिरयानी, दूसरा है चलिए पुलाव, तीसरा जो है क्या है, राइस। चलो ठीक है, और इसको भी मैं लेबल दे सकता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पर लेबल दूंगा, और मैं बोलता हूँ सिलेक्ट फूड। ओके, ऐसा कुछ मुझे चाहिए, तो यहाँ पर इसको मैं फिर से ये ब्रेक दे देता हूँ, सेव, और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट फूड, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मिल जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप डाल सकते हो आपकी कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर, या फिर कहीं भी आपको यूज करना है वो। तो ये है एक सिलेक्ट और ऑप्शन वाले टैग। अब इसके साथ और एक चीज आती है, ओपीटी ग्रुप नाम से। ओपीटी कोई ऑप्शन ग्रुप बोलता है, ओपीटी ग्रुप बोलता है, तो चलिए देखते हैं क्या है ओपीटी ग्रुप। तो ये भी एक सिलेक्ट टैग में ही यूज होने वाला टैग है। तो यहाँ पर देखिए फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना ऊपर में जो लिखा है, इसी को कॉपी करेंगे सीधा सेम टू सेम, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इस बार मैं क्या लिखता हूँ, सिलेक्ट ग्रुप, ओके, या फिर सिलेक्ट कार्स लिखते हैं, चलो कार्स। तो कार्स में मेरे क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग ब्रांड की कार्स हो सकती है। ओके, तो इसीलिए ये काम आता है ओपीटी ग्रुप। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कंट्रोल एक्स करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा OPTGROUP, और इसको ओपन क्लोज करना है सिंपली, और इसके अंदर वो जो ऑप्शंस है मेरे उसको डाल देना है। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भैया यहाँ पर दो टाइप्स की मेरे पास कार है, पहला तो है क्या, पहले मेरे पास टाटा मोटर वाली कार्स है, तो टाटा के मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर, एक नेक्सन है, दूसरी जो कार मुझे याद है वो है टियागो, बहुत ही फेमस है ये कार, और तीसरी जो है वो टिगोर। ओके, TIGOR। तो इसके बाद ओपीटी ग्रुप में एक एट्रीब्यूट आता है लेबल नाम से, तो सिंपली आपको लेबल लिखना है इक्वल टू दो कोट्स के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्रांड का नाम, तो यहाँ पर ब्रांड का नाम क्या है, टाटा मोटर्स, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए सेव करने के बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर देखिए वापस एक ड्रॉप डाउन आएगा, लेकिन इस बार देखिए आपका जो ब्रांड का नाम है कुछ इस तरह दिखता है, ऊपर वाले में नहीं दिखेगा क्योंकि ऊपर वाले में सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ओपीटी ग्रुप यूज किया है। तो टाटा मोटर्स क्या करता है, ग्रुप करने का काम करता है, मतलब ये टाटा मोटर्स की सारी गाड़ियां हैं। अगर आपको और कई ब्रांड्स के डालनी है, तो सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करना है नीचे, और यहाँ पर आपका जो ब्रांड नेम है वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्या, मारुति, तो मारुति की कौन सी गाड़ियाँ हैं, वैगनार है, इसमें और क्या है,
इग्निस है, और क्या है, स्विफ्ट है, ये भी बहुत फेमस गाड़ी है। ओके, तो इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद फिर से देखिए यहाँ पर मारुति की अलग गाड़ियाँ आ गई और टाटा की अलग गाड़ियाँ, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ अगर आपको करना है तो ये ओबीटी ग्रुप आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कौन सा वाला टैग है भैया, सिलेक्ट हो गया, ऑप्शन हो गया, ये भी हो गया। हाँ, डेटा लिस्ट करके कुछ है, देखिए यहाँ पर सिंटेक्स लिखा हुआ है, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जाके हम लोग सीधा पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया और ये जो है इसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए इनपुट वाला टैग आपको डालना है सिंपल। ये करता क्या है, इसको मैं सेव करता हूँ, सीधा दिखाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट देता है, मतलब क्या, ये भी तो वही चीज कर रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है जब भी आप टाइप करोगे, देखिए फायरफॉक्स एफ टाइप करो तो एफ की सारी चीजें आती है, आर टाइप करो तो आर की सारी चीजें आती है, राइट। अभी मैं सीधा सी कर रहा हूँ तो क्रोम आता है, तो ये चीज होती है इसमें, और ये कुछ इस तरह उसका सिंटैक्स है। आपको लिखना पड़ता है पहले इनपुट, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है एक लिस्ट एट्रीब्यूट, उसके अंदर एक नाम देना पड़ता है जो भी आपको नाम देना है, लेकिन वो जो नाम है वो इस नाम से सेम होना चाहिए, मतलब ये दोनों जो नाम है वो मैच कर जाने चाहिए तभी वो काम करेगा। तो डेटा लिस्ट देखिए यहाँ पर ओपन डालना है और यहाँ पर क्लोज डालना है, और यहाँ पर फिर एक बार ऑप्शन यूज होता है, लेकिन इस बार वैल्यू वाले एट्रीब्यूट के साथ। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन ओपन क्लोज है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, तो ये छोटा सा डिफरेंस है वो ध्यान में रखना है। ऑप्शन डालना है, वैल्यू की एट्रीब्यूट डालनी है और उसकी वैल्यू नेम डालना है, देखिए सिंपल वही चीज की है सब में, और यहाँ पर वो वैल्यूज यहाँ पर हमें दिखती है। ओके, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये होता है सिंपल सा हमारा डेटा लिस्ट, और कुछ ये इस तरह काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, तो क्या है भैया, एक बटन है सिंपल सा, हम इसको लास्ट में देखते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, देखिए फॉर्म देखा, इनपुट, लेबल, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, ये सारी चीजें देखी हम लोगों ने। अब हमारे जो बचे हैं तीन चीज बचे हैं, तो बटन मैं बोलता हूँ थोड़ा लास्ट में देखते हैं, ये फिर सेट और लीजेंड में अभी आपको बताता हूँ ये है क्या। तो देखिए आपके पास वेबसाइट में ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म डाल सकते हो, आप कितने भी फॉर्म डाल सकते हो, तो ऐसा कभी देखा होगा आपने वेबसाइट में, आपके ई कॉमर्स के वेबसाइट में देखा होगा कि पहले एक फॉर्म आता है आपको एड्रेस पूछता है, फिर एक आता है बिलिंग पूछता है, फिर पेमेंट का फॉर्म आता है, तो ऐसे दो तीन फॉर्म्स होते हैं, तो वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। देखिए तो फील्ड सेट और लीजेंड हालांकि कोई यूज नहीं करता, बट चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे काम करती है और क्या है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए हमारा जो फॉर्म अभी हम लोग ने जो बनाया यहाँ पर, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है, और सबसे पहली चीज मैं लिखता हूँ मेरा यहाँ पर फील्ड सेट। ओके, एक्चुअली कंट्रोल एक्स मुझे फॉर्म नहीं करना है, मेरा ये जो है ना यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्म ऐसे ही रखना है मुझे। ओके, और यहाँ पर मुझे फील्ड सेट लिखना है, और फील्ड सेट ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, और इसके बाद एक टैग आएगा लीजेंड नाम से, और यहाँ पर आपको वो नाम देना है जो डिफाइन करेगा कि आपका किस चीज का फॉर्म है, राइट। तो मैं बोलता हूँ पहला जो मेरा फॉर्म होने वाला है वो एड्रेस वाला फॉर्म है, इसीलिए आप इसके बीच इसके नीचे ये डाल दो सिंपल, यहाँ पर देखिए फील्ड के अंदर। अब मैं इसको देखिए सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पर जाके जब चेक करता हूँ तो देखिए एड्रेस दिखाई देगा और ये आपका दिखाई देगा एड्रेस वाला फॉर्म, ये सारी चीजें वैसे ही काम करेगी, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे और एक चाहिए, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर फील्ड सेट सीधा कॉपी करूंगा। हालांकि आपका जो डिजाइन होगा या फिर आपका फॉर्म अलग हो सकता है, मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्म होगा आपका, मैं सेम फील्ड सेट से लेके सब कुछ कॉपी कर रहा हूँ जैसे ऊपर था, मैंने देखिए यहाँ पर कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ लीजेंड में, तो इसका नाम मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, मान लो ये मेरा बिलिंग वाला फॉर्म है, तो इसको मैंने सेव कर लिया, तो आप देखिए यहाँ पर बिलिंग वाला फॉर्म नीचे कुछ ऐसे दिखाई आपको देगा। तो ये चीज करने के लिए ये आपको फील्ड सेट और लीजेंड ऐसी कुछ चीजें करनी पड़ती है। ओके, तो ये आपको कुछ इस तरह का आउटपुट दिखाई देगा, बस यही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल। ओके, तो मेरे ख्याल से तो मैंने तो आज आज तक ये ज्यादा चीजें ऐसी कुछ यूज नहीं की है। और एक चीज है, अगर यूज करनी तो कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि ये जो बॉर्डर वॉर्डर सब गंदा दिख रहा है तो वो भी आप निकाल सकते हो सीएसएस के जरिए,
तो वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप करिए, यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी गुड हैबिट है ये, फॉर्म की सारी चीजें है और हमें यूज करनी चाहिए, फील्ड सेट और लीजेंड वगैरह चीजें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा है, देखिए फॉर्म के सारे टैग्स हम लोगों ने कवर किए। यहाँ पर एक चीज हमारी रहेगी जो है बटन, तो मेन चीज तो हमें रह गई यहाँ पे। हम लोगों ने फॉर्म तो बना लिया, बटन डाला ही नहीं, तो ये सबमिट कैसे होगा, करेक्ट? तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सिंपल देखिए, पहला वाला जो फॉर्म है यहाँ पे, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आपको एक्चुअली ये फील्ड सेट है पहला वाला, ये बंद करता हूँ, दूसरा फील्ड सेट अभी आपको समझ में आएगा। देखिए फॉर्म के अंदर दो फील्ड सेट है और पहले फील्ड सेट में जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या हमारा जो है वो बटन, ठीक है? तो बटन में भी एक्चुअली कुछ तरीके हैं, वो आगे बताऊंगा जब एट्रीब्यूट्स वाले हमारा जो एट्रीब्यूट का जो वीडियो आएगा, तभी तभी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। टाइप्स में आएगा शायद से, ओके टाइप्स में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली सेंड करके रख देता हूँ। इसमें और कई और चीजें आने वाली है, हम लोग बटन भी डाल सकते हैं और इनपुट टैग भी डाल सकते हैं एक बटन से सेंड करवाने के लिए, मतलब डेटा सेंड करवाने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, बटन ही रख देता हूँ। इसमें भी हम लोग नीचे जाके बटन डाल देंगे और बाद में उसको देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख रहा हूँ सेंड टू, ओके सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंड टू और ये वाला सेंड। तो बस यही है HTML के टैग्स, और HTML के टैग्स आप कुछ इस तरह डाल सकते हो। देखिए अलग अलग टाइप के टैग्स होते हैं, जैसे ये इनपुट फील्ड है, जैसे ये पैराग्राफ के लिए यूज होता है, जैसे ये सिलेक्ट के लिए यूज होता है, सिलेक्ट करने के लिए कुछ चीजें। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है जो मल्टी चीजें यहाँ पर डाल सकते हो ओपीटी ग्रुप के जरिए। और यहाँ पर ये है डेटा लिस्ट, तो ये अगर आपको यूज करनी है तो सिंपली ये यूज कर सकते हो, आपके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। ओके गाइज, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो कवर किया है वो है सारे फॉर्म के टैग्स जो यूज होते हैं, राइट? अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट के टाइप्स देखेंगे, मतलब इनपुट टैग, मतलब जितना भी हम लोग देखा यहाँ पर, देखिए इनपुट हमेशा ज्यादा करके यूज होता है। तो इनपुट में अलग अलग प्रकार के इनपुट टाइप्स है, राइट? मतलब ये जो इनपुट टैग है ये हम लोग टाइप कर रहे हैं, जैसे ये लेटर टाइप हो रहा है, फिर नंबर टाइप होता है, फिर और कुछ चीजें होती है, तो वो सारे अलग अलग टाइप्स है यहाँ पर। देखिए वो कैसे यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।